मेरा नाम उर्मिला वशिष्ठ है और ऐसे तो मैं अपने गायत्री परिवार से ही जुड़ी हूँ 30 वर्षों से, लेकिन अभी गांव में मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रही हूँ और अब तो पूरी तरह से ऑर्गेनिक किसान मैं बन गई हूँ। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से जो हमने रचनात्मक किया था शांतिकुंज में आकर के, तो मैं पति पत्नी हम दोनों आए थे, अब मेरे पति नहीं रहे, 2015 में नहीं रहे, तो उनका भी मन यही था कि हम अपने गांव में ही रहें और गांव में खेती करें, तो एक तो उद्देश्य यही था और उसमें मिशन का उद्देश्य यह हो गया कि हमें सारी जानकारियां तो पहले ही प्राप्त थी, हमने रचनात्मक में बहुत कुछ पढ़ा था लेकिन वो हमारे रजिस्टर में ही लिखा हुआ था खाली, हमने उसका कभी उपयोग नहीं किया था। लेकिन एक अवसर मिलता है जीवन में, भगवान सबको देता है मौका, कभी सदुपयोग करना चाहिए उसका, तो मुझे गांव में रहने का अवसर मिला तो मैंने परम पूज्य गुरुदेव के सूत्रों को भी, परिश्रम का सूत्र है उनका, सहनशीलता का सूत्र है उनका, परिवार में सहकारिता का सूत्र है और जितने भी हमारे लोग हैं संगठन बनाने का, स्वावलंबी का, ये बहुत सारे सूत्र गुरुदेव ने दिए थे, एक तो उनका प्रयोग हो गया। दूसरा क्या है कि अपने खेतों में जड़ी बूटी छोटी छोटी चीज़ें, अब सहजन के मैंने पेड़ लगाए हैं, आंवले के पेड़ लगाए हैं, बहुत सारे जिनको हम घर में चिकित्सा के रूप में लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें, आंबा हल्दी है, हल्दी है, ये मेरी बहुत अच्छी तरीके से मैं इनको कर पा रही हूँ। पहले जो हमारी फार्मिंग होती थी पहले भी ऑर्गेनिक ही होती थी, जैविक खाद मतलब पशुओं के खाद से ही हमारा घर का अन्न उगता था, लेकिन धीरे धीरे जब हरित क्रांति आई और अंग्रेजों ने अपना विदेशी प्रभाव दिखाया तो हमारे देश में यूरिया को भेज दिया और यूरिया का आने से हम लोग इतने प्रभावित हुए कि हमारी उपज बहुत बढ़ गई थी। लेकिन इस समय प्रश्न वो नहीं है, पैदावार बहुत है लेकिन लोग बीमार भी बहुत हैं, तो परम हमारे विचारधारा में ये बात आती है कि दो ही विकल्प होते हैं हमारे पास, या तो हम परिवर्तन कर लें अपनी जीवन शैली में या हम विनाश को प्राप्त हो जाएं, दो ही विकल्प हैं हमारे पास। इस समय ऐसा समय आ गया है कि हर व्यक्ति को इस पर परिवर्तन का विचार करना चाहिए कि जो हमारी भूमि है वो इतनी ज़्यादा विषाक्त हो गई है कि जो व्यक्ति उस अन्न को खाएगा वो भी बहुत बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी 40-45 साल में गाँव में लौट के आता है तो उसको ऑर्गेनिक पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है इस समय। तो हमने सोचा कि हम शुद्ध अन्न पैदा करेंगे और कोई जहर इसमें नहीं जाने देंगे, ये हमारा संकल्प हो गया और हमने 5 वर्ष से ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की है। विष मुक्त खेती कह सकते हैं इसको, जहर मुक्त खेती कह सकते हैं कि कहीं भी इसमें कुछ भी केमिकल का प्रयोग नहीं हमारे खेत में होता है और खूब अच्छी फसलें हो रही हैं और हमने उसमें बहुत सारे प्रशिक्षण करके उसको कम्प्लीट कर लिया है। देखिए ऑर्गेनिक खेती में कुछ भी नया नहीं करना है, सिर्फ आपको केमिकल का प्रवेश बंद कर देना है, यूरिया पोटाश और जो भी हम चीज़ डालते हैं नाइट्रोजन, वो केमिकल मिली हुई चीज़ें डालते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो उसका परिवर्तन कर सकते हैं जैविक खेती के लिए। जो हमारे खेत से रफेज निकलता है, जो हमारे खेत से पुरानी चीज़ें निकलती हैं, भूसा निकलता है, पत्तियाँ निकलती हैं, पुराने धान निकलता है, उसी को हम कन्वर्ट करके डिकम्पोज करके फिर से खेत में डाल देते हैं। घास पत्ती हम एक भी नहीं फेंकते हैं और उसको गोबर के साथ बना करके उसका खाद बना के, कुछ और पद्धतियाँ भी हैं जैसे वेस्ट डिकम्पोजर डाल रहे हैं हम खेत में। वेस्ट डिकम्पोजर क्या होता है कि गाय के गोबर का एक विशेष बैक्टीरिया है, कीटाणु लिया जाता है और वो एक ड्रम में थोड़ा सा डाल देते हैं, गुड़ डाल देते हैं, तो 200-500 लीटर बना के ट्यूबवेल में खेत में भेज देते हैं उसको, तो पूरा खेत ही जो भी हमारे यहाँ रफेज है, जो भी कुछ हमारा वेस्टेज है, वो सारा का सारा डिकम्पोज हो जाता है। उसके पश्चात भोजन चाहिए, जो भी कीड़ा अंदर आया ज़मीन के उसको भी भोजन चाहिए होता है, तो उसके लिए फिर केंचुआ खाद भी डालते हैं और केंचुआ खाद के बाद में हम थोड़ा सा उसमें और जैविक खाद डालते हैं। जैविक खाद में क्या करें, जीवामृत बनाते हैं, गौमूत्र, गोबर, बेसन और गुड़ और एक थोड़े से खेत की मिट्टी लाते हैं, 2 मुट्ठी जो बिना बरगद के नीचे, पीपल के नीचे कि जहाँ जो जानवर जहाँ अपनी बीट करते हैं ना, वो भी बड़ी काम की चीज़ होती है, हम लोग उसको जानते नहीं हैं, तो वो सब मिला करके 1 हफ्ते तैयार, 10 दिन में तैयार कर लेते हैं और वो भी हम ट्यूबवेल में पानी के साथ बहाते हैं। अब खेत का सारा जो मृदा है वो सब परिवर्तन हो गया। साथ में क्या है कि परम पूज्य गुरुदेव का सबसे बड़ा जीवन यज्ञ पिता गायत्री माता, दो ही सूत्र गुरुदेव ने दिए थे, जीवन 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 जीने की शैली में यज्ञ को मैंने खेत में सम्मिलित कर दिया। एक कॉर्नर में मैंने यज्ञशाला बना करके एक वहाँ संकल्प ले लिया कि यहाँ मासिक में, साप्ताहिक में या लोग इकट्ठे होंगे तब
कभी ना कभी उसमें यज्ञ होते रहते हैं और यज्ञ का जो धूम्र होता है उसके लिए कीटनाशी के रूप में प्रयोग होता है और जो बभूति होती है उसका भी कीटनाशी के लिए प्रयोग होता है। तो मैं यज्ञ को तो मैंने अपने खेती से बिल्कुल जोड़ा हुआ है। मैंने कहीं पढ़ा था कि वैदिक युग में हमारे ऋषि मुनि भी खेतों में यज्ञ करते थे, उसी से अनाज उत्पन्न करते थे। तो वृष्टि जैसे कहते हैं कि ओलावृष्टि, धन वृष्टि, और वृष्टि शब्द का तो यज्ञ वृष्टि कृपा होगी परम पूज्य गुरुदेव की, तो ये अन्न भी बहुत सुंदर होगा और ऐसा होगा कि लोगों के मनोवृत्ति को बदले, बुद्धि को बदले, गायत्री मंत्र से मंत्रित होगा और यज्ञ होगा। तो वो मुझे बहुत मेरे मन में बात आई और मैंने उसको यज्ञ को भी सम्मिलित किया है अपनी खेती में। प्रबंधन में सबसे पहली शर्त है कि रोज़ अपने खेत में जाइए, सुबह प्रातःकाल जाइए, भ्रमण करके आइए और देख के आइए क्या हाल चाल है हर फसल का, हर पौधे का, पानी है कि नहीं है, एनवायरनमेंट है कि नहीं है, सूख तो नहीं रहे, कीड़े तो नहीं लग रहे। जब मेरे ऐसे तो भाई लोग ही करते हैं गांव में, खेत में तो ट्रैक्टर चलाना, जुताई करना, नलाई करना, लेकिन एक उद्देश्य मैंने और समझा गुरुदेव के साथ जुड़ के कि अपनी बहनों को ही काम देती हूँ मैं। अधिकतर जो मेरा काम है वो मेरी बहनों को ही मिला हुआ है। ऐसे भी बहनें काम करती थीं लेकिन वो असुरक्षित थीं। जब से मेरे खेत में मेरे साथ काम कर रही हैं उन्हें सुरक्षा की भावना जागृत हो गई, क्योंकि वहाँ कोई खतरा नहीं है। कुछ काम पंखे में बैठ के भी, कूलर में बैठ के भी हो सकते हैं जो हाथ की सफाई के होते हैं, और कुछ खेत में करके आती हैं वो, उन्हें भी टाइम से सुबह शाम जब उनकी इच्छा है तब करती हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन वो बहुत प्यार से काम मेरा करती हैं, तो मेरा जो लेबर का है वो भी बहुत अच्छा प्रबंधन चल रहा है, सहकारिता की भावना से चल रहा है, स्वावलंबन की भावना से चल रहा है। हर चीज़ का एक नियम होता है, प्रकृति का भी एक नियम है कि एक ही स्थान पे हम एक ही चीज़ पहले लगाते थे। जैसे एक खेत है पूरा धान लगा दिया, गेहूँ लगा दिया, गन्ना लगा दिया, या कोई और कपास लगा दी, कोई फसल लगा दी। लेकिन अब नया कंसेप्ट आया है ये ऑर्गेनिक में कि हम एक साथ में कम से कम 10 चीज़ें लगाएं। तो एक फसल में अगर हमको घाटा हो रहा है तो दूसरी फसल उसको पूर्ति कर देती है। कैसे होता है, जैसे मैंने हल्दी के ऊपर अलसी लगाया था, तो हल्दी तो मेरा खेत के अंदर पड़ा है, ऊपर से मैंने अलसी भी पैदा कर लिया उसी समय में, उसी पीरियड में दोनों चीज़ हो गई, तो दो फसल मेरी हो गई। तो हल्दी की आमदनी के साथ अलसी की आमदनी भी बढ़ गई। दूसरा क्या है कि जैसे हर वृक्ष की, वनस्पति की आयु का निर्धारण होता है, आम कभी वृक्ष फल देगा, बांस कभी आएगा तैयार होकर, नीम कभी आएगा, पीपल, जैसे हर की आयु होती है, नींबू की, अमरूद की, सबकी। तो उस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम खेत में लगा रहे हैं। अब खाली ये नहीं कि फसल गेहूँ बो दिया या गन्ना बो दिया, उसके साथ पपीता भी लगा रहे हैं, अमरूद भी लगा रहे हैं, नींबू भी लगा रहे हैं। हम सबको आवश्यकता है, नींबू इतना महंगा है, और दो पेड़ में इतना हो जाता है तो 50 पेड़ में हमारा कितना नींबू होगा। एक एकड़ में ही व्यवस्था बता रही हूँ मैं आपको, लंबा चौड़ा फार्म नहीं है मेरा, और अमरूद भी लगाया है, उसमें नींबू भी लगाया है, उसमें आंवला भी है, पपीता भी है, साथ में लहसुन, प्याज और हल्दी, चारों तरफ की बाउंड्री पर डाला है, और साथ में सहजन डाला है। सहजन के पत्तों का पाउडर 1000 रुपये केजी जा रहा है। तो पत्तों को क्या है, पत्तों को तोड़ना है, सुखाना है, पीसना है ग्राइंडर में। इतना छोटा सा काम है कोई भी बहन कर लेगी। तो अगर हम अपना थोड़ा इन बातों पे ध्यान देंगे कि हम एक समय में कितनी चीज़ों की उत्पत्ति कर सकते हैं, तो मोदी ने ये सारा वैज्ञानिकों को दिया, वैज्ञानिक हम लोगों को समझा रहे हैं इस चीज़ के लिए कि एक ही फसल पर निर्भर मत रहिए एक साथ में। अभी सरसों लगाते हैं तो पहले ही खेत में अरबी लगा देते हैं, अरबी मार्च में निकलेगी और सरसों पहले ही कट जाएगी, जैसे सरसों कटेगी अरबी निकल आएगी। तो आपको एक साथ दो दो तीन तीन फसलों का कम्बिनेशन करना होता है, और केला भी लगाए बाउंड्री पे उसमें, और बहुत सारी चीज़ें लगी हैं। और एक कहते हैं हमारा इसमें एक बाउंड्री बनाते हैं 2 मीटर की, उसको सुरक्षा गार्ड कहते हैं एक तरह से, तो सुरक्षा गार्ड की तरह से वो काम करती है। तो परमानेंट हल्दी लगाए उसमें, और उसमें करौंदे की लगाई हुई है, तो करौंदे भी फल देंगे, झाड़ी का भी काम करेंगे, बाउंड्री का भी काम करेंगे, और हमारा साथ में हमारे खेत को भी सुरक्षित करेंगे। तो इस तरह से कंसेप्ट आया है। और कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं कि जो आपका समय बिल्कुल नहीं लेती, सतावड़ लगा दीजिए, किनारे किनारे लगा दीजिए, कांटे होते हैं, कोई छेड़ेगा ना खाएगा ना कोई पशु खाता है। तो इस तरह से विचार करके मोदी जी ने सोचा है कि दुगनी आमदनी किसानों को देंगे, लेकिन उनको समझ होनी चाहिए कि एक साथ में पहले भी हम गेहूँ चना मटर बोते थे कि नहीं बोते थे, जौ बोते थे, गेहूँ साथ साथ बोते थे, जौ गेहूँ चना उसको बेजड़ वगैरह कुछ बोलते थे, मटर वटर बोलते थे। लेकिन अब लोग इसके जागरूक हो रहे हैं, केमिकल वाले किसान भी कर रहे हैं इसको और ऑर्गेनिक किसान भी कर रहे हैं। तो ये मैंने सारा कंसेप्ट अपने खेत में लिया है, सारी चीज़ें कर रही हूँ।
गुरुदेव माता जी हर समय हर पल हमारे साथ रहते हैं, ऐसा मैं अनुभव करती हूँ। और कितने उसमें यज्ञ कार्यक्रम, कितने अनुष्ठान, कितनी साधनाएं, कितने संस्कार, ये साथ चलते हैं गांव में। ये नहीं कि छूट गया है, ये तो और ज़्यादा बढ़ गया मेरा, क्योंकि मैं शहर में रहती थी, उतना काम नहीं था। और गाँव में, शहर में क्या, हम अपने कार्यकर्ता, अपने भाई बहन ये सोचते हैं कि कोई बुलाने आएगा, लेकिन मैंने इसकी प्रतीक्षा कभी नहीं की। मैं सुबह ही दूसरी बहन को खबर भेजती हूँ कि आप मिलने आ जाओ, या मैं मिलने चली जाती हूँ, उनसे बताती हूँ आपके बच्चे का जन्मदिन हो तो मैं आऊँगी। तो एक दो चार यज्ञ में एडवांस में ही बुकिंग रखती हूँ अपने, मैं खुद निवेदन करती हूँ जाके, तो वो खूब काम बढ़ गया है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ उस चीज़ से। हमारे YouTube चैनल शांतिकुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।